आखिर एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? देखिए, ट्रेन के अंदर करीब 20 से 24 बोगी होती हैं, जिसमें से करीब 8 स्लीपर कोच होते हैं, जिसकी कीमत 14 करोड़ के आसपास होती है। वहीं पर जनरल कोच के 4 डिब्बे होते हैं, जिनकी कुल कीमत 7 करोड़ के आसपास होती है। इसके अलावा ट्रेन में थर्ड एसी टायर के 6 कोच होते हैं, जो कि करीब 15 करोड़ के आसपास होते हैं, और फर्स्ट एसी और सेकंड एसी टायर के 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। ट्रेन में एक पेंट्री कार भी होती है, जो कि करीब 2.5 करोड़ रुपए की होती है। इन सब के कुल कीमत करीब 41 करोड़ रुपए होते हैं। और इसके बाद ट्रेन में एक लोकोमोटिव भी होता है, जिसे इंजन कहते हैं, उसकी कीमत 13 से 15 करोड़ तक होती है। इन सब का टोटल करें तो ये करीब 54 से 56 करोड़ रुपए के आसपास होती है। बाकी क्या आपने भी कभी जनरल कोच में सफर किया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।